हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रो टॉक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कई बार हम अमेजोन पर लिस्टिंग हमारी की हुई होती है बट हमें ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहे होते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको आपकी सेल बढ़ाने के लिए 10 ऐसे हैक देने वाला हूं जिसे आप अपनी लिस्टिंग में यूज कर सकते हो। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे लिस्टिंग करने से पहले हमें कौन कौन से हैक यूज करने हैं और लिस्टिंग करने के बाद हमें कौन कौन से हैक यूज करने हैं जिससे हमारी सेल बूस्ट होगी और हमारी जितनी भी लिस्टिंग है वो रैंक करने लगेगी अमेजोन के टॉप पेज पे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम किसी भी लिस्टिंग को करने से पहले कौन कौन से हैक यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। तो आप किसी भी प्रोडक्ट की अगर लिस्टिंग करते हो तो उससे पहले आपको एक सीट बनानी है। इसमें आपको गूगल प्रोडक्ट का क्या नेम रखना है वो रखना है, प्रोडक्ट का SKU रखना है, प्रोडक्ट का आपको क्या डिस्क्रिप्शन देना है ये रखना है, टाइटल रखना है, बुलेट्स पॉइंट्स, कीवर्ड, सब कुछ आपको एक जगह पे मेंटेन कर लेने हैं। इससे आपको आगे चल के बहुत बहुत ही प्रॉफिट होगा। आप आगे देखोगे आपको क्या प्रॉफिट होगा। तो इसके बाद जब भी आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करो तो उसके इमेज सेवन होने चाहिए। आपके जो इमेज के बैकग्राउंड है वो आप वाइट रखें। इमेज का जो साइज़ है वो 1000 पिक्सल से ऊपर होना चाहिए और आपको जो आप टाइटल यूज़ करोगे वो 150 कैरेक्टर होना चाहिए, बुलेट पॉइंट 5 होने चाहिए और 1000 कैरेक्टर का आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस बातों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करने में बहुत हेल्पफुल होता है। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं जब आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो करने से पहले आप देख सकते हैं आप जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं, ये हीलियम 10 का यहाँ पर एक मैंने एक्सटेंशन यूज किया है और ये बिल्कुल फ्री है, आप एक्सटेंशन यूज कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो 10 out of 8.19 इस प्रोडक्ट को रेटिंग मिली हुई है। तो आप जब ये हीलियम 10 एक्सटेंशन यूज करोगे तो ये आपको भी दिखेगा कि इस प्रोडक्ट को क्या रेटिंग मिली हुई है। तो यहाँ पर क्या इमेज के टाइटल है, क्या ये इमेज कितने दिए हुए, ये सब पर डिपेंड करता है। तो आप नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो आप देख लेना यहाँ पर आपको एक कीवर्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो जिस भी तरह के आप प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हो उसके टॉप प्रोडक्ट को आप ले लो और उसके कीवर्ड्स को देखो कि इस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जो है वो किस कीवर्ड्स पर रैंक कर रहा है। तो देख सकते हैं ये फ्री का अकाउंट है और आपको फ्री के अकाउंट पे मिल जाएगा। एक दिन में 3 सर्च देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कीवर्ड सर्च कर रहा है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये किस कीवर्ड्स पर रैंक कर रहा है। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट का ऐसा इन शो हो गया, ये प्रोडक्ट है। और यहाँ पर देखिए नीचे में जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको इस ये प्रोडक्ट किस किस कीवर्ड्स पर रैंक कर रहा है ये आपको मिल जाएगा। आप ये सारे कीवर्ड्स नोट करके रख लो और जो हमने सीट बनाया था वहाँ पर इन सारे कीवर्ड्स को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर देखिए कीवर्ड्स आपको सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं, 1218 कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं इस एक सिंगल लिस्टिंग पर और आपको ये यहाँ पर सारे मिल जाएंगे। कि अगर आप इसके पेड वर्जन को लेते हो तो आप इस सारे कीवर्ड्स को 1200 में भी फिर फिल्टर करके निकाल सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर किसके सर्च वैल्यूम में अभी जो है वो इंक्रीज हुआ है, किसका सर्च वैल्यूम डिक्रीज हुआ है ये भी आपको शो करता है। और बड़ी ही आसानी से यहाँ से आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिस जो कि इस प्रोडक्ट्स पर लगे हुए हैं और ये रैंक कर रहा है। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके जो टॉप, उससे आप सर्च करो, टॉप पेज में जो भी प्रोडक्ट्स मिले उसका आप कीवर्ड स्कैन करके देखो कि वो प्रोडक्ट किस कीवर्ड्स पर रैंक कर रहा है। और इन कीवर्ड्स को आप यहाँ पर से देख सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप इसे एक्सेल सीट में, CSV सीट में जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारे कीवर्ड आपको बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएंगे। यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हो, बट फिल्टर जो है वो पेड जब वर्जन आप लोगे, प्रीमियम वर्जन जब आप लोगे तभी मिल पाता है। तो आप फ्री में भी काम चला सकते हो, बस यही होता है कि आपको थोड़ा कीवर्ड जो है वो मेहनत से खुद से ही छाटने पड़ेंगे, सारे अपने मैनुअली चेक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे कीवर्ड मिल जाएंगे जो आपके प्रोडक्ट को रैंक कराने में बिल्कुल हेल्प करेंगे। मैंने हीलियम 10 का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बुलेट पॉइंट्स है जो आप अपने प्रोडक्ट्स पर ऐड करोगे, ये बुलेट पॉइंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट दिस आइटम में यहाँ पर 5 बुलेट पॉइंट है। तो आपको फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना है, आप किसी भी प्रोडक्ट के जो नेगेटिव रिव्यू में जाओगे, जैसे 1-star रिव्यू में अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर बहुत से कस्टमर जो प्रोडक्ट के जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव बातें होते हैं वो शेयर करते हैं। तो आप जो है कोशिश करो कि ये जो नेगेटिव बातें हैं ये आपके आपके जो रिलेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड आ रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट में ना हो। और जो भी ज़्यादा जो रिव्यू आ रहे हैं उस प्रोडक्ट के नेगेटिव के लेकर के उसे आप पॉजिटिव करके अपने बुलेट पॉइंट में लगाओ, ताकि लोगों को जो चीज़ उस प्रोडक्ट में ख़राब लग रही है, जो वो प्रोडक्ट आपके पास जब वो आपकी लिस्टिंग में आते हैं और वो बुलेट पॉइंट्स पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि हाँ, उन्हें इस प्रोडक्ट्स पे वो सारे दिक्कत देखने नहीं मिलेंगे जो उन्हें दूसरे प्रोडक्ट्स में देखने को मिलते हैं। तो ये भी फ्रेंड्स आपकी जो लिस्टिंग है उसे बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि कस्टमर डिस्क्रिप्शन देखने से पहले बुलेट पॉइंट्स को ही देखते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि जब आप लिस्टिंग कर रहे तो आफ्टर लिस्टिंग
आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हो। तो आपने किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट किया, जैसे मैंने गार्लिक पेस्ट प्रेस यहाँ पर सर्च किया है, तो जो भी मेरा प्रोडक्ट होगा मैं उसे सर्च कर लूँगा, और जो टॉप पेज पर जो भी प्रोडक्ट अभी रैंक कर रहा है उन प्रोडक्ट को मैं ओपन करूँगा। आप 2, 3, 4 जितने प्रोडक्ट हैं उतने ओपन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हीलियम 10 आपको यूज करना है, तो हीलियम 10 का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके फ्री वाले से साइन अप कर लीजिए। और जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इनका हम क्या करेंगे, कीवर्ड स्कैन करेंगे। तो जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो हीलियम 10 का फ्री का आपको ग्राफ का पेज मिलता है, जहाँ आपको उसके सेल वगैरह देख सकते हो, वहीं पर आपको कीवर्ड्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो जो भी प्रोडक्ट आपके रिलेटेड प्रोडक्ट है उसके कीवर्ड्स आप देखिए कि ये प्रोडक्ट अगर फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहा है तो किस कारण से ये फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहा है। तो आप यहाँ पर कीवर्ड्स पे देख सकते हैं, क्लिक करना है आपको। अच्छा, कीवर्ड्स पर आप क्लिक कर दीजिए तो कीवर्ड्स, ये प्रोडक्ट किस कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आप किसी भी प्रोडक्ट को ऐड करने से पहले यहाँ पर उस प्रोडक्ट को ऐड कर क्लिक करके कीवर्ड स्कैन कर लीजिए। और आप 1 वीक में या 1 मंथ में, क्योंकि कीवर्ड हमेशा बदलते रहते हैं, तो वो भी देख लीजिए कि कोई कीवर्ड हमारा छूट तो नहीं गया है। तो ये कीवर्ड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए अगर आप इसका यूज करते हो हीलियम 10 का। दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसका आप बंडल कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, जब आप कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो वहाँ पर आप देखना नीचे में अमेजोन सजेस्ट करता है बाय इट विथ। तो ये जो सजेशन करता है, आप इन तरह के प्रोडक्ट ला के एक बंडल, एक कॉम्बो बनाइए और इस कॉम्बो को आप लिस्ट कीजिए, तो आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अदर सेलर्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ गार्लिक प्रेस सेल कर रहे हैं, बट मैं अगर इन तीनों का एक कॉम्बो बना दूँ जो अमेजोन खुद सजेस्ट कर रहा है बायर को बाय करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि हमारे ये प्रोडक्ट सेल होंगे, हमारे सेल बूस्ट होंगे। दोस्तों इसके बाद आपको इन्वेंट्री का ध्यान रखना है कि आप जो है प्रोडक्ट्स हमेशा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते रहिए। क्योंकि जब एक प्रोडक्ट जो है वो सेल होने के बाद उसकी सेल क्या होती है, फिर कुछ दिन के बाद डाउन हो जाती है, कुछ महीने के बाद, कुछ ईयर के बाद डाउन हो जाती है। तो आपको हमेशा न्यू प्रोडक्ट अपनी इन्वेंट्री में ऐड करते रहने हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम प्रोडक्ट्स तो लाते हैं, हमारी सेल नहीं होती है, तो हम परेशान होता है, हम सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, बट क्या होता है कि कई बार वो प्रोडक्ट जो दूसरे सेलर है उनके भी सेल नहीं हो रहे थे। तो आप ये कैसे पता करोगे कि उस सेलर के सेल हो रहे हैं या नहीं, तो आप रिलेटेड प्रोडक्ट आपको सर्च करने हैं, और जो भी 2-3 प्रोडक्ट जो आपको लग रहे हैं उन्हें आप ओपन कर लीजिए। और आप इसमें एक हैक यूज़ करोगे, 999 हैक, तो आपको पता चल जाएगा कि जो सेलर है जो टॉप पेज पर रैंक कर रहा है उसका आखिर कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके प्रोडक्ट उतने सेल अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है और अच्छा से ऑटोमाइज करना है। तो आपको ऐड टू कार्ट करना है, जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो, 2-3 प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आप कार्ट पर क्लिक करो। कार्ट पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये एडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी में यहाँ पर जो देख रहे हैं 10+ सेलेक्ट कर लीजिए। अब अमेजोन में आप 999 से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बाई कर सकते, तो आप यहाँ पर 999 करके अपडेट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको पता चल जाएगा कि इस सेलर के पास अभी 18 क्वांटिटी, देखिए दिस सेलर हैज़ ओनली 18 देयर अवेलेबल। तो आपको आज पता चल गया कि आज 18 प्रोडक्ट्स अभी यहाँ पर है। तो आपको नेक्स्ट डे फिर इसी टाइम पे आना है, फिर से ये यूज करना है और फिर से अपडेट करना है। तो नेक्स्ट टाइम आपको जितना ये सेल हुआ होगा उतना घट के यहाँ पर पता चलेगा कि हाँ अब इतनी क्वांटिटी इनके पास बची हुई है। तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में इस सेलर का कितना सेल होता है। तो आपको इस तरह करके 2-3 सेलर के साथ ऐसा करना है, क्योंकि कभी कभी कोई सेलर क्या करते हैं और स्टॉक को अपडेट कर देते हैं। तो 2-3-4 सेलर को आप देखिए कि उनका पर डे कितना सेल हो रहा है। अगर आप देख रहे हैं कि हाँ उनका अच्छा सेल हो रहा है, तो आपको कुछ आपको लिस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी, फिर आपको इसी तरह करके लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करना है। और आप देख रहे हो कि हाँ उस जो टॉप पेज पर रैंक कर रहे हैं उनके भी सेल नहीं आ रही है, तब तो उस कैटेगरी में ही प्रॉब्लम है और उस तरह के प्रोडक्ट अभी सेल में नहीं है अमेजोन के, इसलिए आपको भी ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों ये भी हैक आप यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा हैक है 99 हैक, जिससे आप पता कर सकते हो कि दूसरे सेलर के आखिर कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, और ये बड़ी आसानी से वो पता चल जाएगा। दोस्तों इसके बाद कोई भी प्रोडक्ट जब रिव्यू आ जाते हैं जिस प्रोडक्ट्स पे, वो ऑटोमेटिक कुछ बूस्ट उनको मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट्स हैं, 3 रिव्यू हैं, किसी पे रिव्यू नहीं है, बट जो रिव्यू हैं वो लाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जैसे ही प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, आप उन प्रोडक्ट्स को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच रेफ़र कर दो। उन्हें बोलो कि आप वो एक पीस, दो पीस, या फिर आप 2-3 घर में आपके अकाउंट होंगे ही अमेजोन के किसी ना किसी के, तो आप उनसे ये प्रोडक्ट एक बार ऑर्डर कर लो और अच्छे से यहाँ पर रिव्यू दे दो। 2-3 रिव्यू छोड़ दो, एक बार बाय करने पर एक ही रिव्यू होगा और आपका वेरीफाई परचेजर भी वहाँ पर साइन हो जाएगा, तो कस्टमर ट्रस्ट करेंगे हाँ इन बंदे ने बाय किया है उसके बाद रिव्यू दिया है। तो ये भी आप कर सकते हो। और जैसे ही प्रोडक्ट आपके पास आए उसी तरह रिव्यू मत देना, 2-3 दिन वेट कर लेना उसके बाद रिव्यू देना। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। आगे मैं बहुत सारे प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड भी वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें।